इंडियन कंपनी लक्ष्मण ट्वेंट के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। बेटा देखिए, अब तक हमने पढ़े थे दर्पण के सूत्र के बारे में। दर्पण का सूत्र होता क्या है कि दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/n। मैंने आपको बता दिया है कि 1/v = 1/u क्या है। कि अब आ जाता है हमारे पास में एम बराबर, जिसे हम आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है कि आवर्धन, हम देखते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का मतलब होता है एम बराबर होता है कि बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई ऊंचाई की अनुपात अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। देखिए बेटा कि हम अब देखते हैं कि आवर्धन होता क्या है। जैसे एम से प्रदर्शित करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का मतलब होता है, बिंब का मतलब होता है वस्तु, और वस्तु से बनने वाला जो दूसरा प्रतिरूप है वो प्रतिबिंब होता है। जैसे देखते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का मतलब क्या होता है कि ये एम बराबर है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? h से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? h से प्रदर्शित करते हैं। अब h से प्रदर्शित करते हैं तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? h डैश से। किससे प्रदर्शित करते हैं? h डैश से। बटे में बिंब की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? h से। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? h डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो किससे प्रदर्शित करते हैं? h डैश से। तो ये आवर्धन हो गया हमारे पास में m बराबर h डैश बटे h। तो ये हो गया कि प्रतिबिंब की आवर्धन का परिभाषा बोल लेते हैं कि बिंब की ऊंचाई में प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का सूत्र होता है बिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई h डैश बटे में h हो गया। अब देखते हैं कि हम कि हमारे पास में आवर्धन के तीन नियम है कि यदि आवर्धन ऋणात्मक होता है, यदि आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, एवं v यानी वस्तु प्रतिबिंब से बड़ी होती है, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब से बड़ा होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित होगा। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा उल्टा एवं आवर्धित होगा। दूसरा कौन? तीसरा कौन है हमारे पास में? यदि m ऋणात्मक है और प्रतिबिंब और बिंब दोनों समान हैं, ये आपको प्रतिबिंब दोनों समान है तो प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं बिंब के समान बनता है। तो यहाँ बराबर बनता है तो बिंब के समान होगा, यहाँ इससे बड़ा है तो आवर्धित होगा। यदि m ऋणात्मक है और v वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, तो हम लिख देंगे कि बिंब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा बनता है। आप समझ गए होंगे कि m बराबर क्या होता है। कि m बराबर का मतलब होता है कि m का मतलब होता है आवर्धन होता है। m का मतलब क्या होता है? आवर्धन होता है। और आवर्धन का मतलब होता है कि जब वस्तु आवर्धन का मतलब होता है कि बिंब की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? h डैश बटे में h से प्रदर्शित करते हैं, जिससे बिंब की ऊंचाई बटे में प्रतिबिंब की ऊंचाई से प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा देख लीजिए, बिंब की ऊंचाई बटे में प्रतिबिंब की ऊंचाई, m बराबर का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई में बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ये तीन नियम है इसका, तीन नियमों को देख लेते हैं। इनमें जैसे h डैश बटे में h है, इनमें तीनों में एक नियम है। जैसे आपने देखा है कि h डैश बटे h में तो इसमें v बटे u आ जाएगा। क्या आ जाएगा? v बटे u। इनमें बराबर v बटे u आ जाएगा। इन तीनों इस दोनों में इन इनमें एक संबंध होता है, इसलिए इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? h डैश बटे h बराबर v बटे
किससे प्रदर्शित किया जाता है, बटे यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ गए होंगे इसके बारे में आप। तो अब हम इसके बारे में एक सवाल लेते हैं कि आवर्धन प्रतिबिंब का निर्माण प्रक्रिया आपने समझी और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण प्रक्रिया में आपने जाना। अब हम देखते हैं कि दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या है, एक बटे वी प्लस एक बटे यू के बारे में आपने देखा, एक बराबर एफ के बारे में देखा, उसके बाद हमने आवर्धन देखा। आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा या छोटा बिंब प्रतिबिंब से कितना बड़ा या छोटा, या बिंब से प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बनता है, ये आवर्धन हो जाता है। आवर्धन की परिभाषा आपको पता है कि बिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जिसे एच डैश बटे में एच एम बराबर एम बराबर एच डैश बटे एच या एम बराबर एच डैश बटे में एच बराबर बी बटे यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं, एक सवाल लेते हैं इसका, दर्पण का एक सवाल लेते हैं, दर्पण से संबंधित एक सवाल लेते हैं, वो किस प्रकार होता है। एक बिंब का आवासीय प्रतिबिंब, आवासीय प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण से 20 सेमी पर, 20 सेमी पर, 20 सेमी दूरी पर बनता है, बनता है। तो दर्पण से बिंब की दूरी क्या कीजिए, तो दर्पण से बिंब की दूरी 11 कीजिए। ये है हमारे पास में सवाल। देखिए इसमें कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेमी है। किसनी है बेटा, 30 सेमी। यदि एक आवासीय प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी दूरी पर बनता है, आवासीय प्रतिबिंब दर्पण से कितने सेमी दूरी पर बनता है, 20 सेमी दूरी पर बनता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। किसकी दूरी ज्ञात करनी है बेटा, वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है हमें। किसकी दूरी ज्ञात करनी है, वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें देना है कि इसमें देखिए दर्पण का सूत्र देखते हैं। इसमें सबसे पहले दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या है, एक बटे बी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे, ठीक है। दर्पण का सूत्र हो गया हमारे पास में कि एक बटे बी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे। अब हमें क्या क्या दिया है देखेंगे, इसमें दिया है देखेंगे। अब हम दिया है हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ठीक है। तो फोकस दूरी दी है, तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी, क्या लिखेंगे बेटा, फोकस दूरी जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। कितने सेमी है, 30 सेमी। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है फोकस दूरी नहीं दी है तो हमें बिंब प्रतिबिंब की दूरी दी है, हमें प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं उसको, बी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। तो कितने सेमी है बेटा, 20 सेमी, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है हमें, दर्पण से बिंब की दूरी क्या ज्ञात करनी है हमें, बिंब की दूरी। तो यहाँ लिख दिया बिंब की दूरी, बिंब की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। अब देखते हैं इसमें कि उत्तल दर्पण है, उत्तल नोट ध्यान रखना है कि हमें नोट में एक ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, किसमें होती है, प्लस में होती है, एफ किसमें होता है, प्लस में। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी
माइनस में होती है, इसमें होती है माइनस में ली जाती है। ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो ये तो हमें समझ गए होंगे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। अब बताएं हमें पास में यदि हमें दे देते हैं, मान लीजिए बीम की दूरी हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो वो हमेशा किसमें होती है, वो हमेशा किसमें होता है माइनस में होता है। किसमें होता है बेटा माइनस में होता है। अब रह जाता है हमारे पास में बी, बी को प्लस और माइनस कब लेते हैं, बी को प्लस और माइनस कब लेते हैं, यदि हमें क्वेश्चन में प्रतिबिंब हमें आवासी दिया होता है। कैसा दिया होता है, आवासी दिया होता है, और आवासी दिया होता है तो हम समझ लेना प्रतिबिंब किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, क्योंकि आवासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आवासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आवासी प्रतिबिंब में तो बी किस में लेंगे हम, प्लस में। किस में लेंगे बेटा, प्लस में। ये भी किस में होती है, प्लस में। अब क्या ज्ञात करना है हमें, बी ज्ञात करना है, और जो भी किस में होता है माइनस में, बी ज्ञात करना है। दर्पण का सूत्र हो गया हमारे पास में, दर्पण का सूत्र है बी एक प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे। तो हमें दिया है क्या क्या दिया है, फोकस दूरी दे दी हमें, प्रतिबिंब की दूरी दे दी हमें, बीम की दूरी नहीं दी हमें, किसकी दूरी नहीं दी, बीम की। अतः यू ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, यू ज्ञात करना है। यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, आप इसका देखो दर्पण का सूत्र हो गया हमें, तो एक बटे बी, एक बटे बी निकाल लेंगे, एक बटे यू निकाल लेंगे, सॉरी एक बटे बी निकाल लिया हमने। तो एक बटे यू ज्ञात करना है हमें, एक बटे यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, एक बटे यू बराबर एक बटे यू इसको पक्षांतर कर लेंगे, एक बटे यू बराबर एक बटे एफ माइनस एक बटे बी। जब यू का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस वाली है किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इनका क्या कर देंगे हम, मान रखेंगे का मान रखने का, ठीक है। तो एक बटे यू बराबर एक बटे यू बराबर एक बटे यू बराबर एक बटे एफ किसमें जुटा, एक बटे एफ तीस से प्लस में, ठीक है, ये माइनस है। उसके बाद में एक बटे वी किसमें है, प्लस में, ये किसमें है, प्लस में, ठीक है। तो हो गया हमारे पास में। अब बट अब इसका एक बटे यू बराबर एक बटे यू बराबर अब इसका लेस ले लेंगे तीन साठ, साठ लेस आ गया तो इसमें कितने बार जाएगा, दो बार, तो ये दो बार चला गया माइनस, ये कितने बार जाएगा इसमें, तीन बार, तो कितने बार जाएगा माइनस के एक बटे साठ। तो एक बटे यू बराबर माइनस के एक बटे साठ, या U बराबर कितना है हमारे पास में, माइनस में साठ। अतः अतः बिंब दर्पण के पीछे की तरफ, पीछे की तरफ माइनस साठ सेमी दूरी पर रखी है। देखिए दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए इधर कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, यदि एक आवासीय प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी दूरी पर बनता है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें यू ज्ञात करना है, दर्पण का सूत्र क्या है बेटा, कि हमें ये जानना है कि दर्पण का सूत्र क्या है, एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ। तो मैंने आपको बताया कि वी क्या है, यू क्या है और एफ क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमें अब देखें कि यू बिंब की दूरी होती है, ओ वी बिंब, यू बिंब की दूरी होती है, वी प्रतिबिंब की दूरी होती है, एफ फोकस दूरी होती है। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें क्या 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 दिया गया है या क्या ज्ञात करना है हमें, फोकस दूरी है एफ बराबर कितनी है 30 सेमी, प्रतिबिंब की दूरी है वी बराबर कितनी है।
उत्तल दर्पण वो चाहे अवतल दर्पण वो, दोनों की फ्रेम की दूरी हमेशा कितनी होती है, माइनस में होती है। कैसी होती है? माइनस में होती है। इसलिए आप देखें हम ज्ञात कर लेंगे दर्पण का एक बटे वी प्लस एक बटे यू, तो हम ज्ञात कर लेंगे किस चीज को ज्ञात करना है हमें, यू को ज्ञात करते हैं, यू का पक्षांतर कर दिया तो एक बटे एक माइनस एक बटे यू का मान रख देंगे इसका, तो एक बटे यू बराबर एक बटे तीस माइनस एक बटे बीस, तो इसका रख दिया हमने। इसके बाद में एक बटे बी बराबर, अब दोनों का लेंस ले लेंगे तो इसमें इसका भाग देंगे तो दो माइनस तीन बराबर बटे में साठ बराबर बचेगा कितने का, माइनस वाले संख्या में तो माइनस में जाएगा एक बटे साठ, तो एक बटे यू बराबर एक बटे साठ या यू बराबर माइनस में साठ, तो आता है बेम दर्पण के पीछे की तरफ माइनस साठ से दूरी पर रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, दर्पण के पीछे की तरफ साठ से दूरी पर रखी है। तो इस तरह से हम दर्पण से बीम की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, कितनी है 30 सेमी है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, यदि एक बिंदु 40 सेमी दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है हमें, किसकी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। आपको पहले एक सवाल में हमने देखा था कि बिंब की स्थिति ज्ञात की थी, आप किसकी ज्ञात करनी है हमें, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, किसकी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो हमें सवाल में ये ध्यान रखना है कि हमें सवाल में लिखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या दिया है, तो ये लिखना है हमें क्या दिया है या क्या दिया गया है, दिया है, तो ये जरूर आपको लिखना है सबसे पहले। उसके बाद आप देख लें कि हमें फोकस दूरी, यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी, दूरी इससे प्रतिशत करते हैं एफ से, उसके बाद कितनी है 30 से। अब देखते हैं दूसरा है बिंब की दूरी, इस सवाल में बिंब की दूरी दी गई है, ध्यान रखना है बिंब की दूरी किससे प्रतिशत करते हैं, यू से प्रतिशत करते हैं, कितनी है 40 से। क्या ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी, क्या ज्ञात करना है इनका, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी, तो वी बराबर ज्ञात करनी है हमें। तो ध्यान रखना है, आप ध्यान रखना है कि हमें प्लस माइनस कब लगाना है, कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है उत्तल नहीं अवतल दर्पण है, उत्तल नहीं है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। अब बिंब की दूरी हमेशा किस में होती है, मैंने आपकी पहले वीडियो में उसमें बताया था पिछले उसमें कि ये किस में होती है, माइनस में। अब ये ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करनी है हमें,
बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, जो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, तो एक बटे एम दर्पण का सूत्र लेंगे हमें। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है एक बटे बी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे, ये किसका सूत्र है? दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र में हम ज्ञात करेंगे कि क्या किसकी दूरी ज्ञात करनी है हमें, बी की दूरी ज्ञात करनी है। किसकी दूरी ज्ञात करनी है? बी की दूरी ज्ञात करनी है हमें। किसकी दूरी ज्ञात करनी है? बी की दूरी ज्ञात करनी है। और इसमें हमें ये भी बताना है कि आवर्धन भी बताना है। क्या बताना है हमें? एम बराबर आवर्धन बताना है कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें, तो अब क्या करते हैं इसमें हमें, तो एक बटे बी बराबर, क्योंकि हमने बी ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? बी ज्ञात करना है। तो ये बी ज्ञात कर बी को हम बाहर निकालेंगे, तो एक बटे बी बराबर एक बटे एम माइनस एक बटे एफ माइनस एक बटे यू। तो एक बटे बी बराबर देखिए इसमें एक बटे एफ का मान कितना है, माइनस के 30, ये माइनस है, इसका मान कितना है 40, माइनस के कितना है 40। एक बटे बी बराबर कितना जाएगा 120, कितना जाएगा 120। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में, 4 की 120 4 माइनस के कितने 4, माइनस प्लस हो गए तो कितना है 3, तो कितने बचेंगे माइनस के 120। एक बटे बी बराबर माइनस के 120 या बी बराबर माइनस के 120। अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एम उल्टा बनता है। क्यों बनता है वास्तविक एम उल्टा? क्योंकि प्रतिबिंब का जो हमें मान आया है वो किसमें आया है? ऋणात्मक में आया है। कैसा है? ऋणात्मक में आया है। तो यहाँ लिख देंगे अंधे प्रतिबिंब से 3 गुना आवर्धित है। दूसरी है कि प्रतिबिंब से 3 गुना आवर्धित है। प्रतिबिंब वास्तविक एम उल्टा बनता है। ठीक है, तो अब इसका आवर्धन भी ज्ञात करवाता है। तो आप क्वेश्चन लिख देंगे आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, आवर्धन भी ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन ज्ञात करने का एम बराबर एच एच बटे में एच बराबर बी बटे यू का मान दिया था, एम बराबर दिया नहीं है हमें, तो v का मान लेंगे, तो v कितना है 100 माइनस के 320 बटे में u का मान कितना है 40, 4 किया 12 माइनस 3, तो ये आवर्धन भी ज्ञात हो गया। तो आपको समझ गए, तो दोबारा समझ लेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी 30 सेमी है, यदि एक बिंब 40 सेमी दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और आवर्धन भी ज्ञात करवा रहा है। चलो आवर्धन भी ज्ञात कर देंगे, हमें दिया गया है, तो हमें दिया गया बिंब की यानी कि फोकस दूरी दी है हमें 30 सेमी, बिंब की दूरी दी है हमें 40 सेमी, प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस कब लगाना है, क्योंकि अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है,
किसमें होती है? माइनस में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? माइनस में होती है। ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा किसमें है? अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस, दोनों की बिंब की दूरी हमेशा माइनस में होती है। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने से पहले हमें दर्पण का सूत्र लिखना है। दर्पण का सूत्र होता है एक बटे एक प्लस बी बराबर एक बटे है। समय बी ज्ञात करना है, बी निकालिए बी बराबर एक बटे एक माइनस एक बटे यू। तो इसका मान रख दिया हमने, तो एक बटे एक का मान माइनस के 30 है और माइनस एक बटे यू का मान 40 है, तो एक बटे बी बराबर ये 120 आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस के 4 प्लस में माइनस प्लस 3 बटे 120, तो इसमें से घट जाएगा, माइनस के बचेंगे 120, तो एक बटे बी बराबर माइनस के 120 या बी बराबर 120। अब इसमें हमने माइनस में आया प्रतिबिंब, माइनस में जब प्रतिबिंब का मान जब माइनस में आता है तो समझ लेना वो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। उसके बाद में हम आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन का सूत्र है m बराबर h डैश बटे में h बराबर v बटे u। तो h डैश बटे में h चाहिए, इसमें बिंब की ने प्रतिबिंब की ऊंचाई दी है, तो इसलिए इसका मान ले लेंगे, तो v बराबर v बटे u ले लेंगे। तो v का मान माइनस में 120 है बटे में 40 है, तो 3 गुना आवर्धन। तो मैंने आपको पहले बताया कि आता है प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिंब से 3 गुना आवर्धित है, यानी आवर्धित का मतलब होता है बड़ा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनता है।